नमस्कार दोस्तों, हाजिर एक बार फिर से आपके साथ उत्तर प्रदेश और राज्य की सभी बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और काम की खबरों को लेकर। जानेंगे सारी खबरें, पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को अभी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और हाँ, खबर को पूरा आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा पर 500 करोड़ खर्च होंगे। राम मंदिर से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक सभी धार्मिक स्थल पर अलग इंतजाम, सीएम योगी का बड़ा आदेश। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को सुरक्षा देने की दिशा में योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस दिशा में सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश में एडेड माध्यमिक स्कूलों में 20,000 स्टाफ की भर्ती। जी हाँ, बता दें कि अभी अभी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी को लेकर काम की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एडेड स्कूलों में 20,000 स्टाफ की भर्ती की जाएगी। बता दें कि यह भर्ती आउटसोर्सिंग आधार पर की जाएगी। वहीं यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आज और अभी अभी इस जानकारी को साझा की गई है। भूपेंद्र चौधरी का बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जारी होते ही घोषित कर देंगे उम्मीदवारों की सूची। रिपोर्ट कार्ड लेकर निकाय चुनाव में उतरेगी पार्टी। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। वहीं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही भाजपा मेयर, चेयरमैन और पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बड़ा खुलासा, बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश वासियों से 4 करोड़ अधिक की वसूली रकम, अब कैसे करेंगे वापस जानिए। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में कास्ट डाटा बुक के विपरीत बिजली उपभोक्ताओं से की गई अधिक वसूली के मामले में राज्य की सभी विद्युत वितरण कंपनियों ने प्रबंधन निदेशकों ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग में हाजिर होकर शपथ पत्र दाखिल किया है। आयोग को बताया गया है कि 4,01,22,506 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं से अधिक लिए गए हैं, जिन्हें वापस किया जा रहा है। बता दें कि सुनवाई के दौरान उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने कहा है कि बिजली कंपनियां झूठ बोल रही हैं। उपभोक्ताओं से कनेक्शन एस्टीमेट में 100 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त वसूली की गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मेले में भगदड़ मचने पर सांस फूलने से कई श्रद्धालु बेहोश, अस्पताल में हो गए भर्ती। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुरू राम नगरी की 14 कोसी परिक्रमा पूरे प्रवाह में आगे बढ़ती रही। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आसपास हनुमान गुफा नुक्कड़ पर श्रद्धालुओं के भीषण दबाव के बीच परिक्रमा मार्ग पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। लोगों का दबाव अधिक होने से कई श्रद्धालु बेहोश हो गयी, इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में खाने की थाली न लाने पर प्रधानाध्यापिका ने दलित बच्चे को बेरहमी से पीटा, मासूम के शरीर पर बन गए जख्म के निशान। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर का यह मामला सामने आ रहा है। दरअसल एक माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका द्वारा एक दलित बच्चे को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। प्रधानाध्यापिका मासूम द्वारा खाने के लिए घर से थाली न लाने पर नाराज थी। वहीं पिटाई के कारण छात्र के शरीर पर जख्म के गहरे निशान पड़ गए। वहीं सूचना मिलने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लेते हुए प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सपा अधिवक्ता सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष समेत 5 गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। दिया बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कोतवाली क्षेत्र के भभुआ पुलिस चौकी के अंतर्गत पड़ने वाला कैथोली गांव के मजरा हिरनपुरवा में चल रहे निर्माण को रोकने गई पुलिस व निर्माण कार्य में लगे लोगों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रखती नजर आ रही है। पहले बता दें कि सामान्य घटना मानकर चल रही पुलिस अब प्रकरण में कार्रवाई के साथ साथ अपना दामन भी बचाने में जुटती नजर आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के साथ एसएसपी शिवराज, सीओ मुन्ना उपाध्याय, एसडीएम हैदर लाल भी पहुंच चुके हैं। जानकारी के लिए बता दी कि मामले में सपा अधिवक्ता सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को उनके वाहन समेत पकड़ा गया है। वहीं 4 अन्य को गिरफ्तार किया गया है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा आदेश, उत्तर प्रदेश के इन जिलों के लिए 1278 नौकरियां इन पदों पर की जानी है भर्ती। जी हां, आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के बाद ग्राम विकास विभाग ने मनरेगा के तहत जिलों में रिक्त 1278 पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। वही ग्राम विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी जिला अधिकारियों व जिलों में तैनात जिला कार्यक्रम समन्वयकों को नियमानुसार रिक्त पदों पर भर्ती करने के निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में रेल हादसा रोकने के लिए नई पहल, जाने कैसे काम करेगा नया इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल। जी बता दें कि अब 10 साल पुराने रूट रिले इंटरलॉकिंग पैनल की जगह हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सिस्टम से ट्रेनों का नियंत्रण होगा। इसकी तैयारी अभी अभी शुरू की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहले गोरखपुर में स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके तैयार होने से करीब 6 माह लगेंगे। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 के बीच आगे की तरफ RRI पैनल स्थापित है, जहां एक काफी बड़े पैनल से कंट्रोलर ट्रेन के लिए रास्ता बनाता है। उत्तर प्रदेश में ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत इन 4 बैंकों का लोन हुआ महंगा। दिया बता दें कि RBI की 3 नवंबर को बैठक होने वाली है। इससे 2 दिन पहले ही 4 बड़े बैंकों ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया बैंक ने MCLR में बढ़ोतरी कर दी है। बता दें कि नई दरें आज से लागू हो गई हैं। वहीं अब बता दें कि अप्रैल तक 6.60% रेट पर मिलने वाला लोन अब कम से कम 8% पर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में करप्शन में फंसे CEO पर कार्यवाही, CM योगी ने बनाया इंस्पेक्टर। रामपुर में रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए बड़ी कार्यवाही की है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने रिश्वत लेने के आरोपी पुलिस उपाधीक्षक CEO को इंस्पेक्टर बनाने का निर्देश दे दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में तैनात रहे तत्कालीन CEO सिटी विद्या किशोर शर्मा को अनुशासनहीनता के आरोप में उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और ओवैसी मामले पर सुनवाई पूरी, लिखित तर्क देने का आदेश अगली तारीख 7 नवंबर की। यह बता दें कि उत्तर प्रदेश के ज्ञानवावी परिसर स्थित वजूखाने में गंदगी करने और सपा प्रमुख अखिलेश यादव EIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ बयान को लेकर दिए गए प्रार्थना पत्र पर आज ACJM पंचम MP MLA की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें अदालत ने मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं इस पर लिखित तर्क प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। वहीं ज्ञानवापी मामले में दोनों नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। CCI के जुर्माने के बाद गूगल ने लिया यह बड़ा फैसला, भारत ने प्ले बिलिंग पर लगाई रोक, डेवलपर्स की बढ़ेगी परेशानी। जी हां, बता दें कि गूगल ने कहा है कि भारतीय बाजार में गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। गूगल का यह फैसला भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा गूगल पर लगे जुर्माने के बाद आया है। देव दीपावली पर काशी नहीं आएंगे राष्ट्रपति, VVIP का आगमन भी नहीं, नाविकों के लिए जारी की गई ये एडवाइजरी। दिया बता दें कि देव दीपावली पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं आएंगे। इसके साथ ही उस दिन जिले में किसी और VIP का आगमन नहीं है। इससे प्रशासनिक महकमा भी राहत में है। बता दें कि मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने देव दीपावली की तैयारियों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। जल परिवहन निगम को गति देगा बनारस, बांग्लादेश के साथ होगा मंथन, CM योगी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का करेंगे उद्घाटन। जी बता दें कि प्रधानमंत्री गति योजना के तहत बनारस से देश के जलमार्ग 1 पर जलयानों की रफ्तार बढ़ाने की कवायद होगी। वहीं केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 नवंबर को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। वहीं वाराणसी के TFC में आयोजित इस सेमिनार में देश भर की जल परिवहन से जुड़े विशेषज्ञों के साथ बांग्लादेश का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए भाजपा का मास्टर प्लान, पसपांदा दांव से मुस्लिम बहुल सीटों पर करेगी कब्जा।
जी हाँ, बता दें कि 1.5 वर्ष बाद होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी भाजपा अब की नया प्रयोग करने जा रही है। भाजपा की नजर नगरीय निकायों की उन मुस्लिम बहुल सीटों पर है जहां आज तक कभी कमल खिला ही नहीं। बता दें कि पार्टी मुसलमानों में सबसे ज्यादा आबादी वाले पसमांदा यानी पिछड़े पर पहली बार बड़ा दांव लगाकर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र की निकाय सीटों पर भी कमल खिलाने की तैयारी में है। चंद्र ग्रहण पर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा 5 राशि वालों के लिए शुभ, सूतक काल में नहीं करें ये काम। जी हाँ, बता दें कि 8 नवंबर 2022 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा इस दिन को सभी याद रखें। संपूर्ण भारत में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, सभी राशि वाले यात्रियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि 5 राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ संकेत है। मेष राशि वालों को शारीरिक कष्ट, चोट, धन नाश हो सकता है। वहीं वृषभ राशि धन हानि, आर्थिक परेशानी। मिथुन आर्थिक लाभ एवं शारीरिक सुख। कर्क राशि वालों को मानसिक सुख व शुभ। सिंह राशि वाले अपमान, संतान पीड़ा। कन्या राशि वाले शत्रु भय, दुर्घटना व्यय। तुला राशि वालों को दाम्पत्य जीवन में कष्ट और विवाद। वहीं वृश्चिक राशि वालों को भौतिक सुख। धनु राशि वालों को चिंता, व्यर्थ की भागदौड़। कुंभ राशि वालों को प्रगति, उत्साह, पुरुषार्थ व वृद्धि। वहीं मीन राशि वालों को धन हानि, व्यर्थ का खर्च होगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबाने। धन्यवाद।